सबसे पहले यहाँ पर आप जाते हैं तो मैं दूसरे बार यूआरएल के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है www.netsoftnetwork.com। जब आप इसको यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा, आप यहाँ पर इसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद जो पूरा जो हमारा साइट जो है नेटसअप का, ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हुआ। तो इसमें सारे जो अलग अलग जो यहाँ पर होम पेज है, और इस होम पेज के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले आप देख पा रहे यहाँ पर मैं अगला इसको लॉग इन करता हूँ। यहाँ पर तो लॉग इन पर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा जो यूजर नेम है मैं उसको टाइप करूंगा। तो यूजर नेम को अगर मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने मेरा यूजर नेम टाइप किया और मैंने यहाँ पर मेरा पासवर्ड टाइप करता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मैंने टाइप किया यहाँ पर, तो उसके बाद ये अगला पेज इसका लॉगिन होगा। तो ये अभी ये लोडिंग हो रहा है, पेज ओपन हो रहा है। तो आप देख पा रहे दोस्तों, ये मेरा साइट मैंने आपके सामने खुद आपको ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जाओगे तो ऐसा पेज, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने। तो आप लोगों को करना क्या, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसके अंदर वही चीज है जो पहले थी। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा, आप जो जा रहे हो यहाँ पर, जो आप मेरा माउस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ एनरोल नाउ, मतलब आप अपने नए कंज्यूमर को अगर आप यहाँ पर लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। एनरोल नाउ पर आप जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर एड न्यू कंज्यूमर, उसके बाद में लिखा हुआ है एड न्यू डायरेक्ट सेलर, और उसके बाद में लिखा हुआ है कंज्यूमर। ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी जो ये एड न्यू डायरेक्ट सेलर है, ये अभी हमारा ओपन नहीं है। देखिए आप, इसको मैंने ओपन किया है, यहाँ पर लिखा कमिंग सून, ये अभी जल्दी चालू होने वाला है, आज या कल भी चालू हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो बारी बात आती है, वो आती है कि हम अपने नए कंज्यूमर को कैसे लॉग इन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एड न्यू कंज्यूमर के ऊपर, मैंने इसको यहाँ पर लॉग इन किया। तो ये अभी आपके साइड के ऊपर अभी दो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एनरोल करने के लिए सेंड योर लिंक, मतलब आप किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में, आप स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाह रहे हो कि आप ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर, तो सीधा साइड के ऊपर जा करके उन लोगों के लिए यहाँ पर ये आप लिंक को क्लिक करके, ऐसा जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी आप जब यहाँ पर डालेंगे उसको सेंड करेंगे तो उसके मेल के ऊपर ऐसा लिंक जाएगा, इसको देख करके वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज वहाँ पर कर सकता है। हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट जो है, जैसे नेचर मोड लेंस के हैं या बायोफिट के अंदर, वो सबका लिंक वहाँ पर उनके पास जाएगा और उसको ओपन करके वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड कंज्यूमर के लिए। तो उसके बाद अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर दूसरा जो लिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऊपर ये है यहाँ पर हमारे लिए, इसके लिए अभी हम सब लोग देख रहे हैं, इंतजार करें सर जल्दी से जल्दी लिंक चलो और हम अपने कंज्यूमर को लॉग इन करें और जल्दी से जल्दी ब्लास्ट करें, क्योंकि फर्स्ट का महीना है, जबरदस्त पाथफाइंडर कंपनी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर एड न्यू कंज्यूमर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सबमिट कीजिए। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज को ओपन होने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि सर हमने लॉग इन तो कर दिया लेकिन वो गया कहाँ पर पता नहीं चला, क्या उसका कोई ओटीपी आता है क्या, क्या कोई उसका रेफरेंस नंबर भी आता है क्या। तो 100% ये सब कुछ आता है जैसे पहले आता था, तो इसमें कोई हमारा अलग से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले मेरा नाम डालता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल को भी बता रहा हूँ, रामनिवास सैनी मैंने यहाँ पर मेरा नाम डाला। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने डाला रामनिवास और सेकंड नेम डाला मैंने यहाँ पर सैनी, और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर ईमेल आईडी / यूजर नेम। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया है, पूछा भी है कि क्या सर अब कंज्यूमर जिसको हम बनाएंगे उसका मेल आईडी जरूरी है क्या, उसके बगैर काम होगा क्या, होगा नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेल आईडी और इसके सामने लिखा / यूजर नेम, मतलब आप दोनों में से कोई किसी से भी आप उसको लॉग इन कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा अगर उसका मेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पड़े आपको। क्या करें, जैसे हम पहले लॉग इन करते थे कोई यूजर नेम बना करके, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यूजर नेम बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बनाता हूँ राम और @ में यहाँ पर टाइप करता हूँ @ और मैंने डाली यहाँ पर 123, ये मैंने डाला। जैसे मैं इसको आगे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर रामनिवास सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आपका आवाज जो है वो प्रॉपर मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कोई आपका स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो दोबारा एक बार आप चेक कीजिए सर प्लीज। आवाज प्रॉपर नहीं है सर? यस सर, बाकी और सभी को अगर आ रहा है क्लियर तो आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। बाकी मेरी आवाज आ रही है? वॉइस नॉट क्लियर सर, मैसेज आ रहा है लोगों का। तो क्लियर नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर नहीं। यस 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 कारण कैसे कर सकते और हां मैं फिर से एक बार मीटिंग वापस ज्वाइन करता हूं फिर मैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ तो नहीं लग रहा है सर। आपको वापस ज्वाइन नहीं करना है, आप लगता है तो मोबाइल से ज्वाइन हो जाइए, उसका आवाज भी चलेगा। हां मैं फिर इसको यहां से मैं म्यूट करता हूं यहां पर और मोबाइल का, मोबाइल का लैपटॉप से उसको म्यूट कर लेते हैं। और यूजर नेम टाइप करने के बाद मैंने साइड में क्लिक किया इस पे मोबाइल नंबर पे जाकर के, तो ऊपर आप एक मैसेज देख पा रहे हैं,
यहाँ पर एक मैसेज आया कि ईमेल आईडी या यूजर नेम वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो चुका है, ये आपका मैसेज आएगा। और अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मैंने मेरा ही मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप किया 9413342053, ये मैंने टाइप किया। और मैं यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जब आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वेरीफाई मांगता है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो ये आप यहाँ पर एक मैसेज देख पा रहे हैं, एक ऐसा मैसेज आएगा किसके पास, जिस कंज्यूमर का आप यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं उसके पास एक मैसेज आएगा। तो वो व्यक्ति आपके पास रहेगा, वो कंज्यूमर आपके पास बैठा रहेगा, उसके मोबाइल पे जैसे ये मैसेज आएगा, मतलब एक ओटीपी जाएगा वहां पर, ये 7 अक्षरों में अल्फाबेटिक रूप में आएगा, वो आपको आगे पीपीटी में दिखाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर इसमें अल्फाबेटिक आएगा, ये 7 अक्षर रहेंगे इसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ये जो ओटीपी जो आया ये मैंने यहाँ पर टाइप किया और इसको सबमिट किया, तो जैसे सबमिट करूंगा ये ऊपर दिखा रहा है कि ये नंबर करेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने पहले इसको टाइप कर चुका हूँ, ऐसा मैसेज वो देगा आपको, तो आपको इसको यहाँ पर कैंसिल कर इसको दोबारा नंबर आप टाइप करना है। जैसे ये वेरीफाई हो जाता है तो आपका ये सक्सेसफुली दिखाएगा आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये पासवर्ड जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर जाकर के और आपको पासवर्ड टाइप करना है, मतलब आपको 6 डिजिट के अंदर आपको जैसे हम पहले पासवर्ड टाइप करते थे वैसे यहाँ पर आपको 6 डिजिट में पासवर्ड टाइप करना है। और उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उसका पिन कोड नंबर है और उसका आप सिलेक्ट यहाँ पर जब जाएंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट जो पहले हमारे यहाँ पर आता था पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है सबका लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आशीष सर मेरी आवाज अगर डिस्ट्रिक्ट मुझे बोल सकते हैं? यस सर नो प्रॉब्लम सर, ओके यस। तो ये ऐसे करके आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका सेलेक्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अमृतसर डाल दिया तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ पर आता है, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ से लेने वाला है। उसके बाद केवल आपको यहाँ पर अपना उसका एड्रेस टाइप करना है, जैसे आप एड्रेस टाइप करेंगे आप उसको यहाँ पर सबमिट कर दें, और सबमिट करेंगे तो उसके आपके पास में भी उस व्यक्ति का रेफरेंस नंबर मतलब जिस मोबाइल से आप इसको लॉग इन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा है सर मैंने टाइप लॉग इन किया था लेकिन वो तो उस व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जिस व्यक्ति का वो कंज्यूमर है आप उसी की आईडी से मतलब उस डार्क सेलर की आईडी से उसको लॉगिन करेंगे तो उसी की कंज्यूमर लिस्ट में ये दिखाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर आशीष सर मेरे पास में मेरे कंज्यूमर है फॉर एग्जांपल, और मेरे अपलाइन है मतलब मुकेश सर मेरे अपलाइन है, तो मुकेश सर की आईडी से अगर आशीष सर का लॉगिन होगा तो ये मेरे कंज्यूमर ट्री में नहीं आएगा, ये मुकेश सर की ट्री में दिखाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि मैं अगर डार्क सेलर तो मेरे ही मोबाइल से मेरी आईडी से आशीष सर को लॉगिन करना है तो वो मेरे कंज्यूमर ट्री के अंदर उनका नाम शो करेगा और उन्हीं के पास मैसेज आएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति मेरा है कंज्यूमर मेरा और उसको अपलाइन लॉगिन करवा रहे किसी अपलाइन के साथ में उसके साथ उसके माध्यम से तो वहां पर आपको शो नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आएगा उसके पास मैसेज आएगा प्रॉपर, और मैसेज आएगा उसका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे मैंने बोला उसके पास मैसेज गया और आपके पास मैसेज दिखा रहा है उसका रेफरेंस नंबर दिखाने वाला है, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए आप जो ये अगला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माई कंज्यूमर, जैसे आप माई कंज्यूमर में जाएंगे इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो लॉगिन हुआ जैसे मेरे यहाँ पर मेरे कंज्यूमर है दो, उनका नाम आपको यहाँ पर दिख पा रहा है जो जिनको मैंने लॉगिन किया था, ऐसा मतलब उस लिस्ट के अंदर इन दोनों का नाम आपको यहाँ पर दिखाने वाला है, आप वहां पर जाकर के उनका दोनों का नाम देख सकते हो। ये है केवल बहुत सिंपल तरीका अपने कंज्यूमर को लॉगिन करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जितने भी आपके अब तक के जो लोग जो कंज्यूमर्स इनका डिटेल आपके पास में है उनको जल्दी से जल्दी लॉगिन कीजिए, और जल्दी से लॉगिन करके और उनका अभी बिलिंग स्टार्ट आप उनका फटाफट बिलिंग करवा बड़ा अब चेक बनाया और साथ में अपना जो हमारा जो फास्ट्रैक का महीना अपना फास्ट्रैक अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर, बात आता है इसके बाद में बहुत सिंपल है, उसके बाद आता है जीएसटी अपडेट करने को लेकर के लिए क्या क्या जो चीजें लगती है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जीएसटी के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके पास जीएसटी नंबर आ गया होगा या फिर आपके पास में आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी अप्लाई नहीं किया है, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर आ गया हो और अगर आप डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप ये देख पा रहे हैं जो यहाँ पर मेरा जो माउस चल रहा है ऊपर मेरा नाम हुआ है, मेरा पैन स्टेटस लिखा हुआ, मतलब मैंने यहाँ पर मेरा पैन अपडेटेड बोल रहा है, यहाँ पर मेरा पैन कार्ड अपडेट है, इसके जस्ट नीचे जीएसटी नंबर अपडेटेड जीएसटी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब मेरा जीएसटी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा इसको क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इसके बाद एक अगला पेज जो खुलेगा आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा जो आपको दिख पा रहा है यहाँ पर आपके साइड के ऊपर। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर लिखा पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर सेलेक्ट टाइप, तो आपको करना क्या है इसको यहाँ पर क्लिक करना है, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप सप्लायर हैं, आप स्टॉक पॉइंट है। तो हम सब लोग क्या है, हम डायरेक्ट सेलर है। तो जैसे देखिए अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अभी कुछ अगला ऑप्शन यहाँ पर पैन कार्ड का दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डायरेक्ट सेलर पर ओपन किया तो एक अगला ऑप्शन आया रेफरेंस नंबर, मतलब क्या ये आपका रेफरेंस नंबर मांग रहा है। तो आप अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, जैसे ही आप अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पर टाइप करते हो उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर आपका पैन नंबर मांग रहा है यहाँ पर, तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, पहले लिख कर रखें गलत नहीं करना है। जैसे आप अपना पैन नंबर टाइप करते हो और इसको यहाँ पर आप वेरीफाई करते हो तो आगे दो जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नाम और यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ से ऑटो मतलब सर्वर से ये इसका ऑटो फिल कर देगा, यहाँ पर वहां से नाम उठाने वाला है। जैसे मैंने यहाँ इसको वेरीफाई किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोनों ये सीधा मेरा जो पैन कार्ड जो मेरा पैन नंबर है वो सीधा कंपनी के सर्वर से और जीएसटी के नंबर से वहां से मेरा नाम उठा रहा है, वहां से
और उसके बाद में यहाँ पर लिखा रहा है कि आपका ऑलरेडी जो जीएसटी नंबर वो सबमिटेड, मतलब मैंने मेरा जीएसटी नंबर सबमिट किया हुआ है, ये आपको दिख पा रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर इसको एक बार वापस बैक करके दिखाता हूँ कि अगर आप इसको ऑटो फिल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका पूरा डिटेल आपको दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या कि ये आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, ये नहीं आते तो आपको वहां पर वो जीएसटी नंबर मांगने वाला है। यस तो मैं इसको यहाँ पर एक बार इसको बैक करता हूँ। हाँ तो मैं इसको वापस बैक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर बैक किया तो अभी मैंने बोला कि आपको इसमें आपका टाइप करना, इसमें डायरेक्ट सेलर के अंदर आपका रेफरेंस नंबर टाइप करें, आपका पैन नंबर टाइप करें, फिर वहां से जैसे मैंने बोला कि वो ऑटोमेटिक वहां से उसका नाम उठाने वाला है, नाम जिसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, नंबर जो अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जीएसटी आपका नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आप उसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका जीएसटी नंबर आया हुआ है उसके अंदर आपका पैन कार्ड नंबर है और आगे उसके तीन या चार अक्षर आपको यहाँ पर दिखेंगे जो वहां पर वो अल्फाबेटिक में है, वहां पर कोई भी आई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने डाला है तो वहां पर वो एक है, मतलब वन है, वहां पर बहुत सारे लोगों ने उसको आई टाइप किया और उसकी वजह से वो उनका प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया। तो वहां पर आप उसको ढंग से देख लें, वो एक ही लिखा हुआ है, वो प्रॉपर आप टाइप करें। जैसे ही आपने जीएसटी नंबर टाइप किया तो उसके बाद आगे मांग रहा आपका एड्रेस, तो एड्रेस में आपको क्या डालना है, जो आपने जीएसटी नंबर लेते वक्त आपके सीए को आपने जो आपका डॉक्यूमेंट दिया एड्रेस प्रूफ का, बिजली का बिल दिया होगा या आपने पानी का बिल दिया होगा, आप अपना एड्रेस टाइप करें। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे आप स्टेट यहाँ पर जाएंगे तो आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, आगरा से हैं या मतलब हरियाणा से हैं, कहीं से भी आप यूपी से तो या एमपी से, तो आपको स्टेट टाइप करना है। स्टेट टाइप करने के बाद यहाँ पर मांग रहा सिटी, तो सिटी में क्या होगा आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा वहां पर, तो नियर आप सोचेंगे कि आपके कोई आसपास का सिटी वहां पर दिखाएगा तो वो दिखाने वाला नहीं है। जैसे मैं सिटी जयपुर में रहता हूँ, राजस्थान मैंने टाइप किया तो मेरा जयपुर सिटी में यहाँ पर आएगा, तो मैं जयपुर सिटी में यहाँ पर टाइप करूंगा। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, बहुत ईजी है, और आपको यहाँ पर मेन कॉन्टेक्ट पर्सन मतलब जिस व्यक्ति का नाम, जिसके नाम से आपने ये जीएसटी लिया है, मतलब उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है और उस व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर यानी उसका मोबाइल नंबर जो यहाँ पर आपको टाइप करना है। और आपने जीएसटी लेते वक्त आपके सीए ने आपसे आपका मेल एड्रेस पूछा होगा, वो मेल एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, ये टाइप करेंगे उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दें, और जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, जो कैसा मैसेज आता है वो मैं आपको आगे पीपीटी के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो ये सब आपको जैसे दिखेगा आपका जीएसटी अपडेट हो गया। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ये जीएसटी अपडेट करने के बाद आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर ये जीएसटी आपका अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा कंपनी के सर्वर पर जाएगा, वहां से आपका ये जो नंबर है जीएसटी नंबर, ये जो गवर्नमेंट का जो सर्वर है जीएसटी का, वहां पर जाकर इसको टैली करके ये अपडेट करेगा। तो इसमें 4 से 5 दिन का वर्किंग डेज का मतलब टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग अपडेट करते फोन करते सर इसका अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अभी आपको अपडेट वहां पर नहीं दिखाएगा, 4 से 5 वर्किंग डे के अंदर आपको यहां से जीएसटी आपका अपडेशन आपको दिखने वाला है। तो ऐसे करके आपका यहां पर रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया जीएसटी अपडेट करने का सिंपल तरीका, और ये बहुत इजी है। तो मैंने आपको इसको डेस्कटॉप पे दिखाया है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल आपके सामने खुल गया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, अभी मैं वही प्रोसेस वापस मैं यहाँ पर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर वही गूगल पर, मैं यहाँ पर गूगल पे गया तो गूगल ओपन होगा, और ओपन होने के बाद वापस मैं वहां पर वही URL टाइप करता हूँ, www.netsurfnetwork.com मैंने यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये URL को मैंने इसको टाइप किया और वही वापस लॉगिन करने यहाँ पर सिस्टम, तो लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरा यूजर नेम टाइप किया और पासवर्ड टाइप किया, और उसके बाद मैं इसको लॉगिन करता हूं। तो लॉगिन करने के बाद में ये ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा जो अभी हो रहा है, ये मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। ये पेज ओपन होते ही आपको क्या करना है, पहले मैं आपको एड न्यू कंज्यूमर वो थोड़ा दिखा देता हूं। ये जो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो एक ये बेल जो बना हुआ यहां पर, मैं यहां पर गया तो साइड में मैं यहां पर गया तो ये जो ऑप्शन जो आपके सामने यहां पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ है एनरोल नाउ, मतलब आप अपने नए कंज्यूमर को लॉगिन करने का यहां से सिस्टम। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है ऐड न्यू कंज्यूमर, ऐड न्यू डायरेक्ट सेलर, माय कंज्यूमर, माय डायरेक्ट सेलर, ये सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिख पा रहे हैं। हमें नए कंज्यूमर को लॉगिन करना है तो मैं यहां पर जाता हूं ऐड न्यू कंज्यूमर, मैंने यहां पर गया। जैसे मैं इस पे गया तो ये जो ये ऑप्शन मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और वही दोनों लिंक आपको वापस दिखा दे रहे जो मैंने आपको पहले बताया। आपको मैं अभी इस पे ऊपर वाले तो बात नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन ऐड न्यू कंज्यूमर पे मैं गया, यहां पर मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वही फॉर्म यहां से ओपन होता है, कोई नाम है उसका, लास्ट नेम आपको डालना है, वही यूजर नेम आपको यहां पर टाइप करना है, मोबाइल नंबर डालना है जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था, वही प्रोसेस आपको सेम यहां पर चलेगा। पासवर्ड डालना है, वो 6 अंकों का पासवर्ड होगा, पोस्टल कोड मतलब उसका पिन नंबर, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और वो सब ऑप्शन यहां पर, और सबमिट करना है। सबमिट करेंगे एक ओटीपी जाएगा, वो मैसेज आएगा, वो मैं आपको अभी पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं कैसा मैसेज आएगा। तो ये सिंपल तरीका जो मैंने अभी आपको बताया,
तो वही जो मैं प्रदीप से आपके मोबाइल पर खोलने वाला है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे वही ऑप्शन आपको, अगर क्या वो बंदा लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप ये जो माई कंज्यूमर है इसमें आप जाएं और माई कंज्यूमर में आप गए, इसको मैंने लॉगिन किया, वही मेरे दोनों कंज्यूमर आपको यहाँ पर दिखाने वाला है। मतलब बहुत सिंपल तरीका, कोई भी इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा महाभारत का काम नहीं है, टेंशन लेने का काम नहीं है, बहुत ईजी तरीका है, ईजी तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब आता है कि बात आती है कि हम इस मोबाइल के ऊपर कैसे जीएसटी अपडेट करें, तो वो जो ऑप्शन मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाए थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी मोबाइल की स्क्रीन को आपको डेस्कटॉप पे लेकर के जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर ही ऊपर ये जो तीन डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है तीन डॉट डॉट जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, netsupnetwork.com लिखा हुआ है, इसके पास तीन डॉट डॉट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपके सामने आए, बहुत सारे ऑप्शन आए आपके सामने। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, मतलब नीचे से थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, इस डेस्कटॉप साइट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपने क्लिक किया तो ये क्या हुआ, जो मैं आपका डेस्कटॉप साइट है जो लैपटॉप के ऊपर खुलता है वो साइट आपके यहाँ पर ओपन हो जाता है। और ये ओपन हुआ तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मतलब आपको जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा करता हूँ इसको, मैंने बड़ा किया, मतलब ऑप्शन कैसा आएगा डेस्कटॉप साइट पर, यहाँ पर मैं वापस आपको क्लिक करता हूँ। आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप साइट के ऊपर यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है, ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा और ऐसा ऑप्शन आने के बाद ये ऐसा साइट आपके पास में खुलेगा, ये लिंक आपके पास में, वही जो मैंने आपको पहले इस पर डेस्कटॉप पे दिखाया था वही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ऊपर लिखा हुआ मेरा नाम है, मेरा रेफरेंस नंबर है, मेरा इनकम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ यहाँ पर पेन स्टेटस जो है वो आ रहा है, उसके नीचे जीएसटी नंबर, मतलब अभी मेरा जीएसटी अपडेट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहीं पर ही क्लिक करना है जीएसटी अपडेट, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये ऐसा पेज आपको यहाँ पर खुलेगा दिखेगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, दिखाता हूँ, तो वही ऑप्शन है जो मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाए हैं। मतलब यहाँ पर सेलेक्ट टाइप करें, सेलेक्ट टाइप आप करेंगे तो आप क्या है, आप डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलर इसको टाइप करें, आपका वो रेफरेंस नंबर है, फिर आपका पेन नंबर मांगेगा, पेन नंबर डालेंगे आप उसको वेरीफाई करेंगे, वही आपका नाम और वो दोनों नाम वहां से ऑटोफिल हो जाएगा, वही आपको जीएसटी नंबर अपडेट करना है, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप करना है जो मैंने आपको पहले बोला था, जो आपने जीएसटी लेते वक्त जो आपको एड्रेस प्रूफ जो वहां पर लगा है वही एड्रेस आपको वहां पर टाइप करना है, सेलेक्ट स्टेट टाइप करना है, वो आपका सिटी आएगा, आपका पिन कोड, आपका उस व्यक्ति का नाम जो आपका मेन व्यक्ति का नाम आपने वहां पर दिया है, साथ में आप उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर यानी उसका कॉन्टेक्ट नंबर और मेल एड्रेस जो आपने जीएसटी लेते वक्त आपने सीए को दिया था, वो चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है। कोई भी बड़ा काम नहीं है, कोई भी टेंशन का काम नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अरे ये नेटसअप हमारे साथ में, नेटसअप अपने हर एक डार्क सेलर का ध्यान रखता है, उनको बहुत इजी प्रोसेस उनको आगे लेके जाता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा, आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास वही मैसेज आने वाला है जो मैं आपको अभी पीपीटी पे दिखाने वाला हूं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है यहाँ पर, जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आपको कुछ भी ज्यादा बड़ा ये आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। मेरा पीपीटी आपको दिख रहा है, हाँ मुझे भी दिख गया क्योंकि मैंने दो जगह इसको चालू कर रखा है। तो ये मेरा पीपीटी आपको दिख पा रहा है, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, ये फुल स्क्रीन हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो पहले बातें जो बताई है वही सेम बातें मैं वापस रिपीट करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा मैंने इसके स्क्रीनशॉट लेकर के कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या मैसेज आ रहे हैं थोड़ा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। इजी में जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि पहले आपने वही यूआरएल टाइप किया, netsupnetwork.com आपने डाला, ये पेज आपका यहाँ पर खुलेगा, ये पेज आपका खुलेगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एनरोल नाउ लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगला पेज क्या खुलेगा, अगला पेज ये आएगा, उसमें वो तीन ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, एड न्यू कंज्यूमर, एड न्यू डायरेक्ट सेलर और माई कंज्यूमर, ये आपको यहाँ पर आपको दिखेंगे। आपने यहाँ पर वापस उसको एड न्यू कंज्यूमर को क्लिक किया तो अगला पेज आपके सामने आएगा, ऐसा वही लिंक जो मैंने आपको बोला था, ये लिंक आएगा, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको सबमिट करेंगे और उसके बाद वही फॉर्म वापस खुलने वाला है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये फॉर्म आप पहले उसको पूरा फिल करेंगे, एक डिटेल जो मैंने आपको बोला था, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे मतलब मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो मैंने आपको बोला कि एक ओटीपी आएगा आपके पास में, मतलब उस कंज्यूमर के पास ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी में क्या रहेगा, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज हैं कि सर आजकल ओटीपी को लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं, ओटीपी बताते नहीं है, तो आपको क्या करना है उसको पहले आपको बोल के रखना अपने कंज्यूमर को कि सर मैं आपका लॉगिन कर रहा हूं एज ए कंज्यूमर, आपके पास एक नेटसर्फ से मतलब नेटसर्फ की साइड से आपके पास एक ओटीपी आने वाला है, तो उस पर क्या लिखा होगा कि वो कंफ्यूज नहीं होगा कि उसको क्या ऐसा मैसेज उसको मिलने वाला है, उस पर क्या लिखा हुआ है, यूर नेटसर्फ ऑनलाइन शॉपिंग वेरिफिकेशन कोड इज, मतलब ऐसा सात डिजिट का एक ओटीपी उसको पास उसके पास जाने वाला है, तो इस पे क्या लिखा हुआ है, नेटसअप ऑनलाइन शॉपिंग लिखा हुआ है, तो उसको ये लगेगा कि ये कोई फर्जी ओटीपी नहीं आया है। ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि किसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर ऐसा ओटीपी आता है, कोई लोग बताएंगे कोई नहीं बताएंगे, तो इसमें आप अगले को बिल्कुल क्लियर बोल के चले कि ये नेटसअप से आएगा जो मैं आपका लॉगिन कर रहा हूं, तो इस पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ओटीपी आया आप उस ओटीपी को वहां पर टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, वो आपका मोबाइल नंबर उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आगे का पेज जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, जैसे ये पूरा पेज आप फिल करेंगे मतलब उसमें उसका पासवर्ड डालेंगे, उसका पोस्टल कोड डालेंगे, उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पूरा एड्रेस उसमें आप डालेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपके पास मतलब जिस आईडी से आप उसको लॉगिन कर रहे हैं, जिस मोबाइल से आप उसको लॉगिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति का आपके पास जिसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर, उसका मैसेज आपके पास भी आएगा, और ये जो मैसेज आप नीचे देख पा रहे हैं ये मैसेज उसके पास जाएगा जो आपका कंज्यूमर है। तो इसमें क्या है,
वही मैसेज जो पहले हम डार्क सर्वर को लॉगिन करते थे उसको आता था कि वेलकम टू वो नट्सअप का साइट आएगा, योर रेफरेंस नंबर ये रहेगा, लॉगिन आईडी ये रहेगा और आपका पासवर्ड ये रहेगा, और वही आगे कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर यानी कस्टमर केयर का नंबर उसके पास जाएगा। तो अब इसमें मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, जो लोगों का डाउट था कि यहां पर यानी कि उस ऊपर वाले ओटीपी में और इस मैसेज में कौन सा फर्जीवाड़ा है भाई, मुझे आप बताइए, मतलब किस कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आपको ये नंबर नहीं बता पाएगा या ये ओटीपी नहीं बता पाएगा। ऐसा सिस्टम नेटसअप हमें दे रहा है जो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कहीं पर भी हम इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैसेज उसके पास में गया और आपके पास में भी एक मैसेज है उसका, ये रेफरेंस नंबर का मैसेज केवल आपके पास में आएगा। जैसे ही लॉग इन होगा आप अपनी कंज्यूमर ट्री में जाकर के माई कंज्यूमर में जाकर के उसका नाम चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था ऐसा, वहां पर उसका माई उसका कंज्यूमर लिस्ट में उसका नाम आने वाला है। यहाँ पर उस व्यक्ति का रेफरेंस नंबर भी दिखा रहा है, उसका नाम भी दिखा रहा है, उसका एड्रेस भी दिखा रहा है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखा रहा है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाला है, तो इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं है। उसके बाद मैं जाता हूं आगे जीएसटी अपडेट को लेकर के। तो जैसे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वही प्रोसेस आपको मोबाइल के माध्यम से करना है। जैसा साइट आपके ऊपर आएगा आपको वहां पर वही डेस्कटॉप साइट पे जाना है, डेस्कटॉप साइट पर आप जाओगे ये सब चीजें आपको वहां पर दिखने वाली है। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डेस्कटॉप साइट पे आप गए तो आपको यहां पर अगला जो अलग पेज खुलेगा, डेस्कटॉप साइट के ऊपर राइट का निशान इस पर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहां पर राइट का निशान लगा हुआ है। इसके बाद अगला पेज जो है ना वो आएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा जीएसटी नंबर अपडेट। यहां पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही पेज वापस खुल रहा है जो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया था, सब कुछ मोबाइल के माध्यम से और डेस्कटॉप के माध्यम से सारा इनको आपको फिल करना है। जैसे ही आप इनको फिल करते 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 आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, आपको यहाँ पर ये जो मैंने बोला कि डार्क सेलर ऊपर इसको सेलेक्ट टाइप को करते डार्क सेलर और इसको आपने भरा तो आपको रेफरेंस नंबर, पेन नंबर, ये नाम सब कुछ, जीएसटी नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट व्यक्ति का, उसका जो भी व्यक्ति उसका नाम, उसका स्टेट, ये सब आपको टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करेंगे ये सब कुछ करने के बाद आप उसको सबमिट करें, बहुत इजी प्रोसेस है। ये करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा नेटसअप के माध्यम से और वो मैसेज क्या रहेगा, वो ऐसा मैसेज रहेगा जो मेरा खुद का है। ये क्या है, आपका रेफरेंस नंबर RASP4001 है, इसका प्रोफाइल के ऊपर आपने जीएसटी नंबर अपडेट किया है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ये कंपनी कस्टमर केयर का नंबर वहां पर कॉल कर सकते हैं। ऐसा मैसेज आपके पास आ गया, इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से ये मैसेज ये आपका अपडेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 4 से 5 वर्किंग डेज आपको इंतजार करना है आपका जीएसटी अपडेट होने के लिए। और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो यहाँ पर जो ये मेरा दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको लिखाएगा अपडेटेड, मतलब आपका जीएसटी अपडेट हो चुका है। ये सब आपको मैसेज वहां पर आपको दिखने वाला है। तो इसमें कोई बड़ा काम है क्या, तो मेरा मानना कि इसके अंदर कोई भी बड़ा काम, हर एक व्यक्ति हर एक डार्क सेलर इसको लॉगिन कर सकता है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, चाहे वो कंज्यूमर लॉगिन को लेकर के हो, चाहे वो जीएसटी अपडेट को लेकर के हो, ये सब आप करते हो तो जैसे मैंने बोला ये मैसेज आपके पास में आएगा। और ये सब करने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिन लोगों को ये डाउट है, जिनको ये कंफ्यूजन है कि सब अब जीएसटी, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात, उन्होंने अप्लाई कर दिया है और उसका अपने सीए से आप उसका प्रॉपर संपर्क में रहे, 3 से 4 या 5 दिन के अंदर जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है वो बहुत, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अपने लीडर से संपर्क करें। हर एक लीडर ने अपने अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे सीएज अपॉइंट किए हैं, तो बहुत सस्ते में या बोल सकता हूं कि बहुत इजी प्रोसेस से वो आपको जीएसटी नंबर लेके दे सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे, मैंने लिखा है केवाईसी डॉक्यूमेंट के द्वारा आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका एक फोटो लगेगा, मोबाइल के द्वारा खींची हुई चलेगी, और उसके अंदर आपकी बैंक की डिटेल, मतलब आपका बैंक का पासबुक या आपका कैंसिल चेक, वो आपका लगने वाला है। अन्य दस्तावेज की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता देता हूं, आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, उसके अंदर आपका जहां पर आपका जो लोकेशन है उसका लाइट का बिल, या मतलब जहां पर आप रहते हैं लोकेशन में, मतलब जहां पर आप प्रूफ के अंदर जहां पर आप रहते हैं आपकी दुकान का, वो आपको उसका लाइट का बिल आपको देना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी लगने वाला 100% लगेगा, जिन्होंने नहीं बनवा रखा है वो बनवा ले, और आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में अपडेट है वो मोबाइल नंबर, क्योंकि उसके माध्यम से आपके पास में करीबन 4-5 ओटीपी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ओटीपी बार बार कहां से आ रहे हैं, कहीं मेरा आधार कार्ड किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है, तो आपके पास में आने वाले हैं। साथ में यहाँ पर लिखा लाइट का बिल लेटेस्ट वाला या पट्टा की रजिस्ट्री जहां पर आप रहते हैं, क्योंकि ये एड्रेस प्रूफ आपको देना जरूरी है। अगर कुछ लोग जैसे कुछ लोग किराए से रहते हैं तो उनको क्या करना है, उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देना, आप एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप उनको एनओसी सॉरी दे सकते हैं वहां पर। अगर आप खुद के मकान में, जैसे मकान आपके पिताजी के नाम है, आप उनके बेटे हैं, तो आपको करना क्या है, और अगर आप किराए से हैं तो वहां पर आपको 500 रुपए का स्टाम्प पेपर लगेगा, मेरी बात को नोट करना, 500 रुपए का स्टाम्प पेपर लगेगा, उसके ऊपर आपको किरायनामा टाइप करवाना है और उसको नोटरी अटेस्टेड करवा करके आपको अपने सीए को देना है। तो ये
मकान में है, पिताजी के नाम से प्लॉट है या दादाजी के नाम से प्लॉट है, तो आप उसका एनओसी लेकर दे सकते हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, ये करके आपको सीए को देना है, उसको भी नोटरी अटेस्टेड करवाना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है क्या, तो 100% बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको तनाव में नहीं आना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से आप इसको अपडेट करें, ये करते हैं तो आपका बहुत जल्दी मतलब 4 से 5 दिन में आपके पास में ये अपडेशन आपके पास में आने वाला है। तो ऐसा करके जैसे मैंने बोला कि ये सब था हमारा, तो जीएसटी को लेकर के था, मैंने आपको कंज्यूमर लॉगिन करना बताया, मैंने आपको जीएसटी अपडेट करना बताया, इसको लेकर के कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अभी आप चेक बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमारे जो सरप्राइज स्पीकर हैं मैं इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे अपडेशन है बातें हैं शायद जो इनको मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, हम उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे, तो उनको अगर मैं इनवाइट करूं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं हूं एक नेटवर्क की तरफ से, मतलब मैं नेटवर्क की तरफ से मैं आपको ये मैंने सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो कंपनी एंगल से अगर मैं बात करता हूं तो हमारे सेंट्रल जोन के जोनल मैनेजर और हम सबके लाडले हम सबके प्यारे, मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में हमारे विशाल सर को। विशाल सर अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो। बिल्कुल सर। यस सर। तो यस सर, तो हम आपको सुनना चाहेंगे सर, हमारे 500 लोग अभी जुड़े हैं, तो आपको सुनना चाहेंगे कुछ जो मेरे से कुछ रह गया तो कुछ अपडेशन। यस सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी, मैं तो चाहूंगा रामनिवास जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया पूरे राजस्थान के लिए, पूरे नेटसअप के बहुत सारे दूसरे रीजन के भी डायरेक्ट सेलर आज जुड़े, कि जिनको आपने जीएसटी रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके कंज्यूमर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसको किस तरीके से लॉग इन करके, उसको किस तरीके से यहाँ पर डिटेल जानकारी आपने यहाँ पर जो है दी है, उसके लिए रामनिवास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। थैंक यू सो मच रामनिवास जी, जो कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी से और बहुत सरल भाषा में ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर समझाइए। तो दोस्तों, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कानून बना दिए हैं, यानी कि 28 दिसंबर 2021 को जो लॉ बने थे उसके तहत नेटसअप कंपनी जो है ये ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है अपने ओर से पूरा कंप्लीट कर चुकी है। हम अभी वेट कर रहे हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि हमें जो गवर्नमेंट के पास लिस्ट ऑफ उसकी लिस्ट हमको गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, और इसकी जो दिनांक है आखिरी दिनांक जो है ये 5 फरवरी 2022 है। तो सभी डायरेक्ट सेलर को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाएं, क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से और गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से जो भी यहाँ पर लॉ बने हैं उसके अंदर जो डिटेल्स दी गई है उसके अंदर वहां पर कहा गया है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस डायरेक्ट सेलर को, अगर उस व्यक्ति को अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अगर आपको कमीशन अर्जित करना है यानी कि पे आउट लेना है तो उसके लिए जीएसटी का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अब नहीं आ रही है वो मायने नहीं रखता है, अगर वो फ्यूचर में नेट सब से या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर वो इनकम लेना चाहता है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा। उसके लिए उसके पास अवधि है 5 फरवरी तक, तो अभी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्द सके जितने जल्द से जल्द हो सके उतने जल्द से जल्द इसको करें। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन हमारे, अगर मेरी पहले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके रखा है या फिर मैंने फर्म का नाम से रजिस्ट्रेशन जीएसटी का करके रखा था और उसके अंदर प्रोप्राइटर अगर आप हो तो आप 100% नेटसब की साइट पे जाके आपका जो पुराना जीएसटी नंबर है वो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पुराना फॉर्म रजिस्टर्ड है आप हो, यानी कि आपके नाम की अगर वहां पर ऑलरेडी आईडी लगी है तो आप 100% वहां पर जाके वही जीएसटी नंबर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक चीज, बहुत सारे जगह से क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं या फिर मैं गवर्नमेंट में काम करता हूं या फिर मैं LIC में काम कर रहा हूं या फिर ऐसी जगह से कि जहां पर मुझे अतिरिक्त इनकम और आ रही है और अगर मैं जीएसटी रजिस्टर करता हूं तो मुझे वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप 100% आपकी जो ये आईडी है यानी कि आप जो नाम जिस आईडी पे आप काम वो रेफरेंस नंबर वही रेफरेंस नंबर रहेगा, उसके अंदर आप नाम चेंज कर सकते हो आपके वाइफ का या फिर आपके यानी कि जिसका नाम नॉमिनी में है उस नाम पर आप जो है आईडी ट्रांसफर कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, या फिर कुछ लोगों को अगर समस्या आ रही है तो वो अपने नॉमिनी के नाम पर आईडी जो है ये ट्रांसफर कर सकते, उसके बारे में भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो ये आईडी आप उनके नाम पर ट्रांसफर करोगे, सपोज मैं विशाल बेरे हूं तो मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हूं तो आप मैं कि मुझे मेरी जो आईडी है मेरे वाइफ के नाम पे नॉमिनी हूँ, मेरी वाइफ नॉमिनी है तो मैं उसके नाम पे ट्रांसफर करके उसके नाम का जीएसटी लेके मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। तो क्या मैं उसकी प्रोसेसर अभी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कर दूं क्या? यस, 100% आप कर दो। आपके एरिया मैनेजर के पास आपको आपको एक एनओसी देना पड़ेगा आपका कि मैं मेरा नाम विशाल बेरे है और मेरा रेफरेंस नंबर ये है, मेरा पैन कार्ड नंबर ये है, इस आईडी पर मैं जो है इस काम करने में मैं असमर्थ हूँ, उसके लिए रीजन ये है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं या फिर मैं जो भी है आप उसमें रीजन लिख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप लिख सकते हो कि ये जो मेरी आईडी है या फिर मेरा जो साइट है वो मेरे वाइफ के नाम पे या फिर मेरे
ट्रांसफर करने की उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो हम देंगे, वो ट्रांसफर करने की कृपा करें, और उसमें आपका साइन और आपके वाइफ का साइन उस जो है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप लिख के उसके ऊपर आप दे सकते हो। जैसे आप दोगे उसके साथ आपके वाइफ का, आपका दोनों का आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अटैच करके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है ये आपको सबमिट करने होंगे, और वो विद इन 3 to 4 डेज के अंदर वो आईडी जो है, रेफरेंस नंबर वही रहेगा, जो उसका प्लेसमेंट है वो वही रहेगा, सिर्फ नाम जो है उसके अंदर चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल जो है वो आपके नॉमिनी के, यानी कि आपने जिस नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके अंदर, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से हो जाएगा जो है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, अगर मिल गया तो वेरी गुड, नहीं है तो आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि उसके अंदर अंडरटेकिंग लिखा रहेगा, आपका साइन होना अनिवार्य है। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एरिया मैनेजर वेरीफाई करेंगे और उसको वेबसाइट के ऊपर के अंदर आप जैसे उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे, आप उसके बाद 3 to 4 डेज के अंदर जो है ये उनके नाम पर, आप जिनके नाम पर ट्रांसफर आप कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर तब तक आपको लग रहा है कि मेरा जीएसटी प्रोसेस लेट होगा, तो आप जीएसटी प्रोसेस जो है आप कंटिन्यू रखिए। इधर आवेदन आपने दे दिया है, ये प्रोसेस हो जाएगा, वहां पर जो है आपका जीएसटी का जो भी प्रोसीजर है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहेगी। दूसरा रहे ये हो गया जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के कुछ अपडेट्स थे हमारी ओर से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी कंज्यूमर का लॉगिन हो रहा है, तो डायरेक्ट सेलर का लॉगिन जो है ये कब से होना स्टार्ट होगा? तो डायरेक्ट सेलर का लॉगिन जो है ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो है ये डायरेक्ट सेलर का हम ट्राई कर रहे हैं, कल या परसों से ही डायरेक्ट सेलर का भी लॉगिन जो है ये हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जिन लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सपोज विशाल बेरे है उनके पास, हाँ उनके पास अगर मैं अगर विशाल बेरे हूं तो विशाल बेरे को अगर नया डायरेक्ट सेलर को अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो उसके पास अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो 100% उसका कल या परसों तक वो नए डायरेक्ट सेलर को जो है ये ज्वाइन कर सकता है, उसके अंदर जो ट्री अभी जो एक्जिस्टिंग ट्री जो दिख रहा है उसके अंदर जो है वो 100% ज्वाइन कर सकता है। दूसरा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं मेरे जो है उसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर आप 100% उसमें आप दे सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पुराने हमारे कंज्यूमर्स है, यानी कि अभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि 5 तारीख तक सभी लोग जो है ये डायरेक्ट सेलर, हम क्या मान रहे हैं, आप सभी को डायरेक्ट सेलर हम मान रहे हैं, लेकिन पुराने जितने भी लोग हैं अगर उसमें से अगर कोई व्यक्ति है कि जो कंज्यूमर है, सपोज अभी वो कंज्यूमर ही आप मान रहे हो, तो आप क्या करना है, जैसे विशाल बेहरे और विशाल बेहरे का कोई व्यक्ति है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको एज ए कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट लेने हैं तो आप उसका एज ए कंज्यूमर लॉगिन आपके इसके अंदर एज ए कंज्यूमर करके आप उसको लॉगिन कर सकते हो, और उसके नाम पर जो है वो प्रोडक्ट अभी जो एग्जिस्टिंग ऑफर है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता है, अभी के एग्जिस्टिंग ऑफर, यानी कि विशाल बेहरे है अभी का उसका जो रेफरेंस नंबर है वो कंज्यूमर ही है, लेकिन उस रेफरेंस नंबर पे परचेस नहीं होगा तो उसको क्या करना है, मैं विशाल बेरे, मेरा एक कंज्यूमर है आशीष राठौड़ जो एग्जिस्टिंग अभी ज्वाइन है, उसको क्या करना है, उसको लॉगिन, उसको कंज्यूमर में जाके उसको ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करके वहां पर एज अ कंज्यूमर करके नया कंज्यूमर ज्वाइन होगा, उसका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा नया, और वहां पर जो है वो कंज्यूमर लिस्ट में आ जाएगा और आप एसपी पे जाके उसके नाम का बिलिंग जो है ये कर सकते हो। पुराने लोगों का भी, पुराने लोग जितने भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं एज अ कंज्यूमर, उनको फिर से नया कंज्यूमर का लॉगिन करके उसको करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से उसको रहेगा। और एक क्वेश्चन है कि सर एक इशू है, जो जीएसटी का पेमेंट कंपनी करेगी बट जो हम लोगों को पेमेंट करेंगे उस पर टीडीएस कट होगा और वो टीडीएस का जीएसटी, ये जो है ये पर्सनल जो सवाल है ये मैं आपको इंडिविजुअल में आप मैनेजर को या फिर मुझे व्हाट्सएप पे जो है भेजे मैं उसको भेजता हूँ। 5 फरवरी तक जीएसटी नंबर नहीं मिला, बिल पाया तो क्या होगा? तो हम भी ट्राई करेंगे कि आपका मतलब आप रजिस्ट्रेशन करके रखो, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास, अगर कुछ आपके पास एग्जांपल लो कि विशाल बेरे है और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके रखा है लेकिन जीएसटी नंबर नहीं आया तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट रहेगी, तो उसके आधार पे हम ऐसे लोगों के लिए 1 या 2 दिन का कुछ एक्सटेंशन हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा कट ऑफ है 5 फरवरी तक हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, हमारा मेन फोकस रहेगा 5 फरवरी तक करने का। 100% डेमोक्रेटिक कंपनी है, हमारे डायरेक्ट सेलर को सबको साथ में लेके चलेगी, तो उसका आप टेंशन मत लो। तो उसके लिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है विशाल सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉगिन में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है क्या? तो मेरे कंज्यूमर में तो लोग पैन कार्ड की जरूरत पड़ती नहीं है, कंज्यूमर लॉगिन में? देखो कंज्यूमर लॉगिन में कोई भी पैन कार्ड की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर ही जरूरी है। आप एक चीज समझने की कोशिश करो, हम भी मोबाइल नंबर का ओटीपी क्यों मांग रहे हैं? देखो विशाल बेरे
अगर उसको लॉग इन कर रहा है, उसको लॉग इन कर रहा है तो उसको ओटीपी की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि ये मेरा कंज्यूमर है और मैं ही उसका ओटीपी डाल सकता हूँ। समझने की कोशिश करो। तो ये उसका 10% आपको मिलना चाहिए। तो वो आपके लॉग इन कर रहे हो, यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं हो और भविष्य में वो कंज्यूमर आपसे ही करेक्ट रहे, इसके लिए हमने वहां पर मोबाइल नंबर का ओटीपी दिया हुआ है। तो वहां पर कंज्यूमर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको उसके जीएसटी नंबर और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। कंज्यूमर लॉगिन के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल नंबर जो है ये अनिवार्य। क्या पुरानी आईडी पर अब बिलिंग नहीं होगी? क्या पुरानी आईडी पर बिलिंग जो है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, आप सभी लोग डायरेक्ट सेलर को, तो डायरेक्ट सेलर के नाम पे अभी परचेस नहीं कर सकते। तो पुरानी अगर आईडी है आपकी, तो उसके अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो विशाल बेर है, विशाल बेर है कि डायरेक्ट सेल जो है ये रामनिवास सैनी जी है, तो मैंने क्या करना है, मुझे उनको उनका 10% मुझे चाहिए, तो उनका मोबाइल नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप उनका नाम उनको एज ए कंज्यूमर रजिस्टर कर दूंगा विशाल बेरे, और एक नया कंज्यूमर कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो कंज्यूमर कोड के ऊपर मैं प्रोडक्ट खरीदी कर सकता हूँ। और एक कोई क्वेश्चन आ रहा है जीमेल के ऊपर, कुछ आया हुआ है सर, जीमेल आईडी दूसरी आईडी पर दी गई है, दो आईडी पर जीमेल आईडी सेम ही हो जाएगी, ये कोई पर्सनल क्वेश्चन है? तो जीमेल आईडी दूसरी आईडी पर दी गई है आईडी, वो जीएसटी नंबर का सर, उसमें एक क्वेश्चन और सर यहाँ पर, हाँ ये लिखा किसी ने कि राकेश जी ने लिखा कि सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या नाम टाइप करना, मतलब जो जीएसटी जब अपडेट करते हैं ना, तो वहां पर लिखा था ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो वहां क्लियर कर दीजिए इसको सर। एक हाँ जी सर जी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप नेटसब डाल सकते हैं या फिर आपके फर्म का नाम डाल सकते हैं। नहीं उसमें मैंने जो सर किया था उसमें एक्चुअली जैसे पैन नंबर डालते हैं ना, उसको वेरीफाई करते हैं, तो दोनों हाँ, में नाम, दोनों में नाम मेरा दिखा रहा हूँ, उठा हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, हाँ मतलब जहां पर स्टार्टिंग में, तो वहां पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस नाम से आप जीएसटी लेना चाहते हो, या फिर मतलब रामनिवास जी है तो रामनिवास जी के नाम से ही बनेगा, तो यस 100% उनके नाम का ही होगा, तो वहां पर जो है आप 100% आपका ही नाम या फिर आपके फर्म का नाम आप वहां पर डाल सकते हो। सर गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कुछ लिखा है सर गवर्नमेंट जॉब वाला का लिए जीएसटी का कोई इशू तो नहीं? हमारे हिसाब से देखो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाला है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सपोज एग्जाम्पल लो कि आप 8 लाख का आपका इनकम है ईयरली एज अ गवर्नमेंट, और आपने 3-4 लाख रुपए नेट सबसे कमा लिए, तो आप 10 लाख का स्लैब क्रॉस कर जाओगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका टैक्स बेनिफिट होगा, या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे मेरे वाइफ के नाम पर या फिर मेरे नॉमिनी के नाम पर ये मेरा आईडी ट्रांसफर करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप 100% उसमें कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या पुरानी आईडी जो लॉगिन कर रखी है जो अभी तक एमडीएस नहीं हुई है उस पे भी हम बिलिंग करवाएं तो कैसे होगा, या इसका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था। पुरानी आईडी एमडीएस नहीं है तो वो एमडीएस नहीं है, तो आप उसका नया कंज्यूमर करके बनाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको नया कंज्यूमर करके उसके ऊपर बिलिंग करो। नहीं देखो हमने क्या बोला था, जिस आईडी पे जो आईडी एमडीएस है और जो आईडी के ऊपर पैन कार्ड अपडेट है, ऐसे सभी आईडी को हम एज अ डायरेक्ट सेलर मान रहे थे। पुरानी आईडी अगर कंज्यूमर नहीं, आपकी पुरानी आईडी एमडीएस नहीं है, तो आप उसको नई तरीके से आपके एज ए कंज्यूमर लॉगिन आप कर सकते हो। ओके तो ये तो अभी आपने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है और बहुत सारी बातें आपके माध्यम से, अभी कोई डायरेक्ट सेलर, एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं सर मेरे पास, मैं आईडी प्रूफ लाइट बिल पापा के नाम से है तो मुझे जीएसटी नंबर मिल जाएगा क्या? सर बिल्कुल 100% मिलेगा, केयर ऑफ में आप आपके पिताजी का नाम डालिए, है ना, कि आप वहां पर रहते हो, तो 100% हो जाएगा। कोई भी डायरेक्ट सेलर जीएसटी वाला आईडी की रिपर्चेस करना है तो कैसे करें? अरे सर डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सेलर जो है 100% उसको प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको प्रोडक्ट लेना है तो उसके घर के कोई भी एक कंज्यूमर के नाम पर वो प्रोडक्ट ले सकता है। कंज्यूमर का परचेस अपलाइन को डायरेक्ट सेल, इतने क्वेश्चन अभी एक साथ आ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और आया अभी कि जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था उनको जीएसटी लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, यस कंज्यूमर का परचेस अपलाइन के टर्नओवर में काउंट होगा, यस 100% कंज्यूमर का टर्नओवर जो है ये अपलाइन के टर्नओवर पे 100% काउंट होगा। विशाल बेरे का कंज्यूमर सपोज मैं हूं और मेरा कंज्यूमर रामनिवास जी है और मेरे अपलाइन जो है आशीष राठौड़ है, तो आशीष राठौड़ को 100% वो टर्नओवर जो है ये कैलकुलेट होगा। सर पुरानी आईडी एमडीएस नहीं है और उस आईडी को डायरेक्ट सेलर बनना है तो क्या सर जीएसटी करके एमडीएस बना सकते हैं क्या? नहीं सर, उसको फिर से नया लॉग इन करके उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बार बार बोल रहा था सर, हम इतना बोल रहे थे कि भाई 150 रुपए का नाम का 180 रुपए से कर लो बाबा, समझने की कोशिश करो,
है ना, नेटसब कंपनी कुछ भी करती है तो कुछ सोच समझ के करती है ना। तो हम पहले बोलते थे भाई 180 रुपए में एमडीएस करके रख, है ना, तो वो हम ये बार बार बोलते थे कि अरे कर ले बाबा एमडीएस तो कर ले, पुराने लोग से करवा ले, अभी नहीं है तो अभी नीचे लॉग इन करो और करो, कोई टेंशन नहीं। यस सर, यदि यदि अभी कंज्यूमर लॉग इन कर लेंगे वो आगे जाके डायरेक्ट सेलर बन सकता है, अंडर क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, अगर लगता है कि करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इनविटेशन भेजना पड़ेगा एज अ डायरेक्ट सेलर बनना है क्या, वो बोलेगा यस 100% कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी लास्ट एक क्वेश्चन और अभी आया है यहाँ पर, लास्ट एक क्वेश्चन और उसके बाद में हम इसको क्वेश्चन आंसर क्लोज करते हैं, बाकी जो भी डाउट रहेगा तो हम एरिया मैनेजर के माध्यम से जो हमारे आशीष सर हैं और ओसीएम सर अभी हमारे दोनों जो है ना वो फील्ड पे हैं और पूरा इसका क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, बाकी जो एमसीएम है उनके माध्यम से उसका पूरा जवाब उनको मिल जाए सब लोगों को। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि पापा की डेथ हो गई है और जो एड्रेस प्रूफ था उनके नाम था, तो ऐसी कंडीशन पर तो क्या करें, तो उसमें तो जहां तक उसका नॉमिनी का नाम ट्रांसफर करवा कर उसके नाम से लेना पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। नहीं नहीं, वो किसके लिए चाहिए उनको जीएसटी के लिए एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं, तो बोले पापा की डेथ हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है, वो एड्रेस प्रूफ अभी भी, वो एड्रेस देखो जब तक प्रॉपर्टी किसी के नाम की ट्रांसफर नहीं होती तब तक, मतलब जैसे कि अगर सपोज किसी के पिताजी की डेथ हो गई है और वो प्रॉपर्टी अभी किसके नाम पर है, तो अभी किसी के ना किसी के नाम पे तो होगी, है ना, तो जिसके नाम की होगी उसके नाम पे केयर ऑफ लगाओ। अभी भी पिताजी के नाम पर अगर वो घर होगा तो 100% अभी भी उनका नाम आप डाल सकते हैं केयर, मतलब केयर ऑफ में नहीं लेकिन वहां पे डाल सकते हो कि इनके इसमें अभी भी वहां पर एड्रेस में उनका नाम डाल के आपका डाल सकते हो। सर जो आईडी एमडीएस नहीं है वो दोबारा सेम मोबाइल नंबर से कंज्यूमर हो जाएगी क्या? यस 100% हो जाएगी। जो आईडी एमडीएस नहीं है, क्या क्वेश्चन था, जो आईडी एमडीएस नहीं है वो दोबारा से कंज्यूमर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आईडी पहले एमडीएस नहीं है लॉगिन हो चुका, मोबाइल नंबर वहां पर डाला हुआ, तो क्या दोबारा वो लॉगिन होगी क्या? 100% 100% जो आईडी पर पैन कार्ड भी लगा है वो आईडी दोबारा लग सकती है क्या? इसके लिए आपको प्रोसीजर पता है कि क्या करना होता है। जो आईडी के ऊपर ऑलरेडी पैन कार्ड लग गया है तो अभी क्या हमारे हिसाब से वो क्या है, वो हमारे हिसाब से डायरेक्ट सेलर है, तो उसके ऊपर जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड करो, वो एमडीएस है उसके नाम पर पैन कार्ड अपडेट है, तो 100% उसके नाम पर जीएसटी रजिस्टर्ड करके वो ऑफिशियल डायरेक्ट सेलर बन सकता है। और उसको अगर कंज्यूमर बनने में इंटरेस्ट है तो फिर से उस नाम पर, फिर से उस नाम को कंज्यूमर आईडी लगा के कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सर मैंने 12 को, सर मैंने 12 को ही अपडेट कर दिया था पर अभी भी नहीं हुआ है, तो रामेश्वर जी आपने 12 तारीख को अपडेट किया है अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप फिर से उसको एक बार फिर से अपडेट करो, क्योंकि आपने सही से सबमिट नहीं किया होगा, कुछ रह गया होगा उसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से हो जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या, तो कॉन्टेक्ट टू रामनिवास जी, तो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पीपीटी भी रामनिवास जी आपको भेज देंगे, तो थैंक यू सो मच रामनिवास जी कि आपने यहाँ पर जो है कितनी समय दिया और आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर। सर मेरी टीम में मंजीदर जी की आईडी लगी है लेकिन उसमें पैन और आधार थी नेम से। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो रीजनल मैनेजर यस सर हम तैयार है सर, हम तैयार है, हमारे रीजनल मैनेजर ओसीएम और हम सब एमसीएम तैयार है। तो सर विशाल सर आपने बहुत टाइम हमें दिया, सारे क्वेश्चन आंसर आपके जो आए थे उनका जवाब आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नई चीजें आपने बताई तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली बनती है, जहां पर आप लोग बैठे एक बार वर्चुअल ताली होनी चाहिए। और लीडर्स मैं आप सब लोगों के बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के जो अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहां पर रेडी, आपको इसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन आजकल क्योंकि टाइम काफी होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारे कुछ लीडर्स, हमारे एमसीएम लीडर्स हमारे बीच में है, जिनके अगर मैं बात करता हूं उनको इस जीएसटी को लेकर के, या मैं बात करूं इस पाथ फाइंडर को लेकर के, जो इस बार कंपनी ने जो धमाका दिया है उसको लेकर के उनके क्या विचार हैं, थोड़ा हम जानना चाहेंगे यहां पर, उनको हम सुनना चाहें। तो यहां पर मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में किसको बुलाऊं, अभी दौलत जी नहीं है हमारे बीच में, हमारे डायनेमिक लीडर बंसीधर जी शर्मा सर। तो सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, मैं आपको यहां से अनम्यूट कर रहा हूं सर, आप अपना माइक ऑन कीजिए। और जी सर आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, प्रॉपर आवाज है। यस सर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज पूरे राजस्थान के जो भी सवाल थे वो भले जीएसटी अपडेट को लेकर के हो, कंज्यूमर को लेकर के हो, और कब आधे घंटे में आपने सारे सवालों का जवाब देकर के पूरा क्लियर कर दिया, तो सच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इसीलिए तो हम रामनिवास जी को हमारे लीगल एडवाइजर बताते हैं राजस्थान के। दूसरा दोस्तों, आपको करना क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो तो जीएसटी को लेकर के बहुत सारा भरम फैला रही है कि जीएसटी से पता नहीं कौन सा पार्ट टूट जाएगा, लेकिन अभी विशाल सर ने बताया कि कमीशन लेने के लिए हमें जीएसटी देना है। लेकिन एक बात समझो, क्योंकि हमारे भारत का एक फितरत है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो हम लोग विरोध में पहले खड़े होते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि भारत की पहली कंपनी है नेटसब
जिसने अपनी लॉ को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जब आपको पता है भारत सरकार ने नोटबंदी किया और 60 दिन का टाइम दिया कि 60 दिन में आप अपने लोकल बैंक में जमा करा सकते हो, कुछ लोगों को भ्रम था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में उनको परेशानी हुई, उसके बाद में उनको रिजर्व बैंक जाना पड़ा और उसके बाद शायद वो जो नोट बचे हुए थे वो कागज ही हो गए। वैसे ही वैक्सीनेशन आया तो उसमें भी वही हुआ। तो आज मैं आपको यही बोलूंगा कि जीएसटी आज इतना आसान, मतलब सबसे बड़ी कोई खुशी की बात है आज हम लोगों के लिए कि हम लीगल तरीके से आज नेटशॉप में आए हैं और हम एक अच्छे लीगल तरीके के व्यापारी हो गए। तो जीएसटी को लेकर के कोई भी टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, इस कानून की वजह से हमारा आसान क्या हुआ, सबसे बड़ा आसान तो ये हो गया क्योंकि पहले हम जब मार्केट में जाते थे तो लोगों को हम प्लान दिखाते थे, हमारा 3%, 4%, 5%, लेकिन कई ऐसे प्लान होते थे जिनमें बहुत बड़ा इनकम दिखाते थे वो लोग और शायद वहां पर हमारा पोस्टल यूज हो जाता था क्योंकि 28 दिसंबर से पहले मार्केट में प्लान ही हीरो था। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि अब सरकार ने बोल दिया कि आप प्लान और सपने नहीं बेच सकते, सिर्फ प्रोडक्ट बेच सकते हो और प्रोडक्ट भी कौन से बेच सकते हो जो वर्ल्ड क्लास है। तो आज मुझे बताते खुशी है कि नेटशॉप एक पहली कंपनी है भारत की जिसके पास में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। तो आज हम बहुत बड़े हीरो इसे इंडिया में बनने वाले हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरा, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हुई है इस कानून को आने के बाद में, क्योंकि पहले हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे हम उनको बोलते थे ट्रेनिंग ले, वो प्लान कैसे दिखाते हो वो करो, लेकिन अब आने वाला जो डायरेक्ट सेलर रहेगा हमारा वो कंपनी ही उसको ट्रेनिंग देगी, एग्जाम पर के पास करके वो आएगा। तो अब हमें हमारा जो एज ए डायरेक्ट सेलर हमारा बहुत आसान काम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि अब यहां जो एक खिचड़ी बनी हुई थी कि हमारा यूजर कौन है, हमारा डायरेक्ट सेलर कौन है, शायद वो सब कुछ छटनी हो गई और जो वजन हमारे एक लटका हुआ था क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को खोलते थे तो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं लॉगिन कहां करूं। तो अभी हमें यह भी क्लियर हो गया कि इन्हीं लोगों के साथ में मुझे दिल से काम करना है और आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करूंगा। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो जीएसटी को आने के बाद में जीएसटी को ऐसा पकड़ लिया उन्होंने कि उसको पढ़ाई भूल गया। आप एक ही बात बोलूंगा कि जीएसटी एक प्रोसेस है, जैसे हमें जीवन चलाने के लिए नाश्ता जरूरी है, दोपहर का खाना जरूरी है, शाम का खाना जरूरी है, तो क्या हम काम करना बंद कर देंगे क्या? नहीं, वो एक प्रोसेस है, वो आप अपने सीए को भेज रहे हो। लेकिन अभी हमारा जो जनवरी का महीना है वो सबसे बड़ा महीना है, हमारा फास्ट ट्रैक का महीना। और फास्ट ट्रैक के अंदर आपको सिर्फ इतना सा डिफाइन करना है कि किस व्यक्ति को मैं टर्नओवर से फास्ट ट्रैक में लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि जिसके नीचे डायरेक्ट सेलर होंगे वो टर्नओवर से फास्ट ट्रैक में आ सकता है। लेकिन मान लो आपके पास में टीम नहीं है, पहले दिखा कि दोनों टीमों में टर्नओवर लाएंगे तो शायद मैं फास्ट ट्रैक में जा पाऊंगा, लेकिन अभी कंपनी ने इतना बेहतरीन मौका दिया है हमें कि हम सिर्फ खुद की इनकम रिटेल प्रॉफिट लेकर के हम फास्ट ट्रैक में आराम से जा सकते हैं। और फास्ट ट्रैक के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ जिंदगी के 3 साल यदि आपने इस फास्ट ट्रैक को पकड़ लिया तो आज कंपनी जो बोलती है कि 16,38,500 रुपए आपको लेना है वो सिर्फ 3 साल में आपको यहां जा सकते हैं। तो आने वाला जो हमारा 15 से 17 दिन का टाइम है इसमें पूरे जोर लगा करके कुछ भी करो, लेकिन हमें फास्ट ट्रैक में एंट्री लेना ही है। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ प्लान, यदि आपने प्लान दिखाना बंद कर दिया और सिर्फ जीएसटी में ही आप अटके रहे तो होगा क्या, क्योंकि काउंटडाउन चालू है, 5 फरवरी को तो हमारा फास्ट ट्रैक बंद हो जाएगा। तो आज जो सीए का काम वो सीए करता रहेगा, लेकिन हमें इस फास्ट ट्रैक को पूरी तरीके से पकड़ के रखना है और सबसे पहले यही डिफाइन करना है कि मुझे कैसे भी करके 7,500 या 60,000 का टर्नओवर लेकर के आना है। और सबसे बड़ा, क्योंकि अभी 10,000 का ऑफर है, इतना बढ़िया ऑफर जो शायद कंपनी ने हमें फास्ट ट्रैक के लिए दिया है, क्योंकि पाथफाइंडर जो कंपनी ने दिया है वही हमारा एक आने वाले 3 साल में करियर बनाने वाला है। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इसके साथ साथ में और भी हमारे एमसीएम है, तो मैं सबसे पहले वही हमारे रामनिवास जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी कि आज आपने जीएसटी और सारा कंफ्यूज दूर किया। यस सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई किया क्या कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोगों ने बंसी सर को भी सुना और दोस्तों आप सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी तो बोलने के लिए बहुत कुछ हमारे पास में, बहुत सारे लीडर हमारे बीच में है, अगर हम इनको सबको बुलाना चालू करें तो शायद ये मीटिंग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लास्ट शेयरिंग बंसी जी का था, उसके बाद हम इस मीटिंग को आप वाइंड अप करेंगे। लेकिन मैं जैसे आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 100% आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, चाहे वो कंज्यूमर लॉगिन को लेकर के हो, चाहे वो जीएसटी लॉगिन को लेकर के हो, क्योंकि इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने करके देखा, मैंने आपको पूरा समझाया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप अपने सीनियर लीडर से बात करें, आप अपने एमसीएम से बात करें, हमारे जो रीजनल मैनेजर आशीष सर उनसे आप बात करें, हमारे ओसीएम सर हैं उनसे आप बात करें, 100% आपको इसका सबका सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी हमारा कंज्यूमर का लॉगिन चालू, आप 100% अभी कंज्यूमर का लॉगिन करके अपना बिलिंग स्टार्ट करें। डायरेक्ट सेलर का लॉगिन कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आप अपने डायरेक्ट सेलर को आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बोलूंगा लास्ट में जाते जाते, जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने अपना जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं किया है 100% वो अभी कल या परसों में अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लें, ये मेरा आप लोगों से कहना है। और अगर किसी प्रकार का डाउट है हम आगे बार बार आप लोगों के लिए ऐसा वेबिनार हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय के हम पाबंद हैं, थोड़ा समय भी ज्यादा होता जा रहा है, तो आप लोगों ने इनको इस पूरे वेबिनार को सुना तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। और इस प्रोग्राम को आज यहीं